हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भिवानी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने पति पर हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों में आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसके पति ने उसकी हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया। बता दें कि मृतका ने 3 साल पहले अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर सुरेंद्र नाम के शख्स के साथ प्रेम विवाह किया था। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टाइम था जब 5 बजे फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला अकेला जा, कुछ काम है। फिर मैंने बोला ठीक है, आ जाऊंगा दिन में। उन्होंने बोला किस टाइम में, 10:30 बज जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। फिर 5 मिनट बाद फिर फोन आया, उन्होंने बोला एक काम कर तू अकेला इब्बा आ जा। फिर मैं 8:30-9 बजे घर तक चला। फिर रास्ते में फोन आया रानी का, उन्होंने बोला नीलम ने ऐसे ऐसे फांसी खा ली तो आंटी ने लेके भी आ जाइए साथ में। इसने नू नहीं बताया मतलब फांसी खा ली हो, यो काम हो गया। हाँ वो पूरी बॉडी पर भी निशान है, नू तो दोपहर में मेरी बात भी हुई थी। जो सारा सुरेंद्र का काम है पहले भी ना बना कर तीन किए।